रांची के अल्बर्ट एका चौक पर पिछले 8 दिनों से लगातार गरीबों को स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद NSUI किचन के माध्यम से निःशुल्क सैकड़ों लोगों को भोजन कराया जा रहा है। वहीं आज स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद के पुत्र सह बेरमो विधायक अनूप सिंह ने अपने हाथों से गरीबों को भोजन कराया, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रत्नेश कुमार सिन्हा ने। नमस्कार, मैं रमेश कुमार सिन्हा, आप देख रहे हैं खबर 365 न्यूज। इस वक्त हम राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पे खड़े हैं और यहाँ पर स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद NSUI किचन के माध्यम से लगातार गरीबों को भोजन वितरण कराया जा रहा है। यहाँ पर स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह के जो पुत्र हैं अनूप सिंह, बेरमो के विधायक हैं, वो से बात करते हैं। भैया, NSUI किचन के माध्यम से लगातार गरीबों को भोजन कराया जा रहा है, कहाँ कितने लोगों को भोजन करा दिया गया है? देखिए, ये बहुत नेक काम कर रहे हैं हमारे जो युवा पीढ़ी के छात्र हैं NSUI के, और निश्चित तौर पर सभी को इससे सीख रहना चाहिए। मैं हौसला अफजाई करने के लिए इन लोग का आया हूँ और धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरे पिता के नाम पर ये जो भोजन का मुफ्त भोजन का कार्यक्रम है वो चलाया। निश्चित तौर पर एक हफ्ता से ये कार्यक्रम चल रहा है और काफी लोगों को सहायता मिल रही है। जो हमारे दैनिक मजदूर हैं जिनको काम नहीं मिल पा रहा है और वो यहाँ पे बैठे रहते हैं आसरा में कि कोई आएगा उनको भोजन देगा, ये इनका दिनचर्या का एक रूटीन बन चुका है प्रतिदिन का। इसके लिए मैं तमाम NSUI की टीम को और खासतौर से हमारे मेरे छोटे भाई शाकिर को, मैं शाकिर अहमद जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरीके का योजना निकाला। मैं तो निवेदन करूंगा कि तमाम लोग जो आज लॉकडाउन में है उनको अपने घर के नीचे एक दिन का जरूरतमंदों को खाना खिलाना चाहिए। भले 2 आदमी को खिलाएं, 3 आदमी को खिलाएं, लेकिन हर की बाहर में जो गरीब है या दैनिक मजदूर है जो शाम में काम के तलाश में घर बेघर लौट रहा है उसको खिलाने का कोशिश करें। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।